हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रोबैट बट। आज हम आपको दिखा रहे हैं ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम के लिए जो यूज़ होते हैं कप्स। यहाँ ये ट्यूबिंग लग जाती है और ये आपका हैंग हो जाता है। जितना बर्ड इसमें से पानी पिएगा उतना ही बर्ड इस कप में आएगा, और एट अ टाइम ये कप जो है पानी से भरा रहता है। ये ट्यूब यूज़ होती है इसमें। आप इस ट्यूब के कनेक्शन के थ्रू इसको टंकी तक ले जा सकते हैं। तो कुछ ये आइटम्स देख सकते हैं आप, ये टीज होती हैं जो एक्सटेंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपके केज में, अदर बॉक्सेस में अगर आपको करना है, या अलग अलग केजेस में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लगाने हैं तो आप ये लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये। कुछ इस टाइप का रहता है। जब ये खाली होगा तो ये ऊपर की तरफ आता है, जिससे पानी का वॉल्व जो है ओपन हो जाता है और पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें वेट आ जाता है तो ये बेसिकली इसको वॉल्व को लॉक कर देता है, पानी आना बंद हो जाता है। जब बर्ड इसमें से पानी पिएगा उस टाइम पे फिर पानी इसमें आ जाएगा। पानी वेस्ट नहीं होता और क्लीन रहता है। जितना बर्ड को पानी चाहिए उतना ही वो यहाँ से पिएगा। और एक बेनिफिट है, आप सर्दियों में इनको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप बेसिकली स्टोरेज टैंक लगाते हैं उसमें आप बेसिकली ऑटोमेटिक हीटर भी आता है वो लगा सकते हैं, जिससे वो पानी है थोड़ा सा गर्म रहता है। गर्म पानी अगर आपके बर्ड्स पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे सर्दियों में, और अच्छे बच्चे भी पलवा सकते हैं आप उनसे। सो, सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि जितना बर्ड इसमें पानी पिएगा नीचे ऊपर से जो पानी आएगा वो गर्म गर्म पानी आएगा इसमें। आप अपने केजेस में यूज़ कर सकते हैं ये। थैंक यू फ्रेंड्स।